वेलकम बैक टू द नेक्स्ट फीचर व्यूज़। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू वॉक्सवैगन की टाइगून जीटी लाइन। टॉप ऑफ द लाइन है ये मॉडल, जिसमें कि आपको ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिल जाता है, साथ ही में इसमें डिफरेंशियल लॉक जो है मैकेनिज्म सिस्टम भी दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। अब हम करें इसके ऑन रोड प्राइस एंड एक्स शोरूम प्राइस की बात। एक्स शोरूम प्राइस है वो है 17,50,000 रुपीज़, एंड विदाउट एनी एक्सेसरीज इसका ऑन रोड प्राइस है वो है 19,36,000 रुपीज़, एंड विद कम्प्लीट एक्सेसरीज एंड RSA जो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा इसका वो है 19,51,000 रुपीज़, जिसमें कि आपको 5 ईयर्स की RSA मिल जाती है। साथ ही मैं वॉक्सवैगन अपनी टाइगून के ऊपर 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है, साथ ही में 4 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है। अगर आप एक्सटेंडेड RSA लेते हैं तो 5 ईयर्स की मिलेगी RSA। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भी हम आपको इसकी कीज़ दिखा दें टाइगून की, तो कीज़ कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है, दोनों ही कीज़ सेम दी गई है। साथ ही में बूट अनलॉक करने का बटन, व्हीकल लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, जैक नाइफ कीज़ दी गई है, और पीछे वॉक्सवैगन का लोगो। अब हम करें इसके फ्रंट से शुरुआत, तो जैसे कि देख सकते हैं इसकी फ्रंट ग्रिल में जो आपको 3D नोज ग्रिल के ऊपर यहाँ पे GT लाइन की बैजिंग मिल जाएगी, जिससे कि पता चलता है इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में इंजन दिया गया है, और जो पावर जनरेट करता है वो है 148 BHP के। एंड यहाँ पे देख सकते हैं वॉक्सवैगन का लोगो विद क्रोम एंड पियानो फिनिश। हेडलाइट्स की बात की जाए, जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है इस व्हीकल में वो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं LED डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पे LED टर्न लाइट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, आइस क्यूब से डिज़ाइन जो इसका इंस्पायर्ड है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर जो कि हाई लो बीम का काम करता है, इसमें आपको कॉर्नर लैम्प का फंक्शन भी मिल जाता है। ड्यूल चैम्बर हेडलाइट्स दी गई इसमें, यहीं नीचे आएंगे तो फॉग लैम्प दिए गए हैलोजन बल्ब के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी ऑफर करेगा नाइट ड्राइव में। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम इंसर्ट्स, जिसकी वजह से इसके फ्रंट के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। यहाँ पर देख पाएंगे जिसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो है 188 mm की, एंड इसका जो टोटल कर्व वेट है वो है 1,310 kg। साइड में आए तो जैसे कि आप यहाँ साइड में देखेंगे, इसमें आपको जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है तो 17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, जिसका टायर साइज़ है 25/55R17। यहाँ पे रेड कैलिपर्स दिए गए हैं पेंट फिनिश के साथ में, जो कि सिर्फ आपको GT लाइन में मिलते हैं, बाकी सभी 1 लीटर इंजन के साथ में टाइगून आती है उसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ड्यूल टोन फिनिश के साथ में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वॉक्सवैगन का लोगो, गुडियर्स के टायर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे भी कंपनी काफ़ी कॉस्ट कटिंग करती है, पर वॉक्सवैगन ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की है। 91 H के टायर्स दिए गए हाई स्पीड। एंड अगेन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाती है GT लाइन की बैजिंग, एंड जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश वे में जैसे इंस्टॉल किया गया है। इसमें आपको ऑटो रेनसेंस वाइपर्स मिल जाते हैं, साथ में जिसमें हेडलाइट्स है वो ऑटो फंक्शन के साथ में आती हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके ORs जो कि बॉडी कलर पैनल के साथ में आते हैं, LED टर्न लाइट इंडिकेटर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट डिट्रैक्ट कर पाएंगे। को ड्राइवर साइड में क्रोम इंसर्ट्स जो कि यहाँ पे और रेयर डोर हैंडल्स के ऊपर भी दी गई है, साथ ही में रिक्वेस्ट बटन जिसके साथ आप व्हीकल को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आप व्हीकल के अंदर जाएंगे तो आपको एक स्पोर्टी एंड लग्जीरियस व्हीकल का एहसास मिलता है, साथ में यहाँ पे देख सकते हैं रेड एम्बिएंट लाइट, जिसकी वजह से जो इंटीरियर का लुक हो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एंड इसमें जो आपको फिट एंड फिनिश है जो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साथ ही में यहाँ पे स्मार्ट ग्लव बॉक्स जिसमें कि कूल बॉक्स का फंक्शन मिल जाता है, और अगर आप कूलिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं यहाँ से नॉब से एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस दी गई है। टाइगून का जो आपको मैनुअल है वो सेम मिलेगा टीरॉक की तरह ही। एंड यहाँ पे जो फ्रंट की सीट्स है वो वेंटिलेशन फंक्शन के साथ में थी, ड्राइवर को ड्राइवर की काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट रो में सर बैठे हुए थे, इनके लिए लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। साथ ही में जो को ड्राइवर की सीट है वो 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है, ड्राइवर साइड की सीट जो है वो 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है, जिसमें कि हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेदर फिनिश दी गई डोर पैनल के ऊपर, साथ में यहाँ पे ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, मीन्स अगर आप डोर ओपन या क्लोज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके हाथ से फिसलेगा नहीं। यहीं पे आप देख सकते हैं वाइट क्रीमी फिनिश पैनल, जो इसके लुक्स को एनहांस करता है डोर पैनल के, साथ ही में यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्पीकर दिया गया है, जिसमें आपको टोटल 6 स्पीकर मिल जाते हैं विद ट्विटर। यहाँ पे वाटर होल्डर स्पेस एंड अम्ब्रेला होल्डर की स्पेस भी दी गई है। ट्विटर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप,
टोटल कैबिन में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं एंड जो लग्जरी का एहसास बढ़ाता है वो इसका सनरूफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से भी रूफ में एक और चीज़ बता दो, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक टोन फिनिश के साथ में रूफ सिर्फ आपको GT लाइन में ही मिलती है। एंड अगेन यहाँ पे जो रूफ रेल्स है वो एल्युमिनियम से डिज़ाइन की गई हैं जिसके ऊपर आप थोड़ा वोटर वेट भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू कैरियर। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, रेयर में आप देख पाएंगे ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं एंड सेम टायर साइज मिल जाता है अंडर व्हील आर्च के, तो काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। मीन अगर आप इसके साथ माइनर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो अंडर व्हील आर्चेस के ऊपर स्क्रैचेस लगते हैं और रस्ट लगता है वो भी इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रंट टू रेयर एंड जो एक क्लैडिंग दी गई है जिसकी मदद से इसके जो लुक्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में और एक एग्रेसिव प्रेजेंस मिलती है व्हीकल को। रेयर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है इसकी इन्फिनिटी टेल लाइट्स जो कि स्टैंडर्ड मिलती हैं सभी मॉडल्स में। कन्वेंशनल टॉल लाइट इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लाइट्स जो कि LED के साथ में आती हैं। पियानो फिनिश जो इसके टेल गेट के ऊपर दी गई काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में, और अगर आपने टाइगन को देखा होगा तो ये इस मॉडल को ऑटो एक्सपो में भी दिखाया गया था। डिफोगर वाइपर मिल जाते हैं, साथ में वॉशर यहाँ पर क्लेवरली हाइड किया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, रियर स्पॉइलर, टाइगून की बैजिंग यहाँ पे बूट डोर के ऊपर कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगी एंड GT लाइन की बैजिंग इस तरफ दी गई, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बूट में जो आपको टोटल स्टोरेज स्पेस मिलती है वो है 385 लीटर्स की। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जैक टूल एंड स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील आपको स्टैंडर्ड देखने मिलेगा सभी मॉडल्स में स्टीयरिंग के साथ में। एंड यहाँ पे भी जो काफ़ी अच्छी पैनलिंग दी गई, मीन्स आप कुछ लगेज सामान रख रहे हैं गाड़ी के अंदर तो यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। फर्स्ट एड किट यहाँ पे दिए गए, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको इसका बूट लैंप। हैंगिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो दो आपको यहाँ पे दिए गए जिसके ऊपर आप 3 kg तक का सामान जो हैंग करके ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्ट्रैप जिसमें कि आप थोड़ा बहुत लूज सामान जो बांध के रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 हैंगिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, साथ में 60-40 स्प्लिट रेशो के साथ में पैसेंजर सीट्स आते हैं। एंड यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इसमें जो एमरजेंसी एग्जिट की ऑप्शन दी गई है जो कि यहाँ दी गई है जिसमें आप की इंस्टॉल करके एमरजेंसी एग्जिट को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ इसके बंपर की, तो बंपर के ऊपर आपको 3 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि सेंसर एक सेंटर में दिए गए हैं, यहाँ साइड में देखने में मिलेगा। सेम फ्रंट नोज ग्रिल से ही इंस्पायर्ड यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं, साथ ही में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल फिलिंग की ऑप्शन जो कि 50 लीटर्स तक दी गई है इसमें। मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड रो की, तो सेकंड रो में जो आपको व्यूज है लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, साथ ही में इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्मरेस्ट। और व्यूज में बात करूँ सेकंड रो में लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस की, तो जैसे कि देख सकते हैं सर के लिए लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है एंड हेडरेस्ट जो हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। ये जो आर्मरेस्ट एक पोजिशन पर जाके फिक्स हो जाता है, मीन्स ये नीचे नहीं जाता, और अगर आप वेट अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है, यहाँ पे भी रेयर में आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाएगी। फैब्रिक एंड लेदर फिनिश के साथ में सीट्स मिल जाती है, बकेट स्टाइल में डिज़ाइन की गई हैं। एंड अगेन आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइवर सीट के पीछे एंड को ड्राइवर सीट के पीछे जो मैगजीन स्टोरेज के स्पेस, ऊपर LED रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं जिन्हें कि आप अपनी मन मुताबिक भी एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ रेयर से जो लग्जरी का एहसास रहता है वो तो इसका सनरूफ जो कि आपको ऑलमोस्ट हर व्हीकल में मिलेगा देखने, पर ये जो इसका डिज़ाइन है डैशबोर्ड का वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में और एक हाई एंड लग्जरियस व्हीकल का एहसास दिलाता है। साथ ही में AC कंट्रोल्स है यहाँ पे अब सिर्फ आपको टच बटन्स के साथ में देखने मिलेंगे GT लाइन में। एंड यहाँ पे रेयर में आप देख पाएंगे USB टाइप सी के थ्रू मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के ऑप्शन, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन दिए गए दोनों ही। यहाँ पे AC एयर वेंट्स जिन्हें कि आप ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड में आएंगे हम तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको जो ड्राइवर साइड की सीट है कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको एयर बैग्स दिए गए हैं ड्राइवर को ड्राइवर की सीट के ऊपर, 8-way मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही में हेडलाइट्स के कंट्रोल्स कुछ इस तरह से देखने मिल जाते हैं वॉक्सवैगन ग्रुप के व्हीकल में। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके पीछे आपको इसके माइनर फ्यूज बॉक्स मिल जाता है, साथ में अगर आप इसके हुड को ओपन करना चाहें तो इस लीवर के साथ ओपन कर सकते हैं।
ड्राइवर साइड के डोर के ऊपर कुछ इतने कंट्रोल्स देखने मिल जाएंगे, और भी कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, तो डोर लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पे मिल जाता है। सेम आपको फिनिश देखने मिल जाएगी सभी डोर्स की तरह यहाँ पे भी। सो व्यूज, ये रहा इसके इंजन बे का व्यू। पहले तो दूर से दिखा देते, कुछ इस तरह से इंजन बे का व्यू दूर से देखने मिलता है। अब हम बात करें इसके इंजन के बारे में, तो इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो है सेम टी रॉक का, वो है 1.5 लीटर टर्बोचार TSI EVO विद ACT मीन्स एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी माइलेज इंप्रूव करेगी ऑन हाईवे क्रूजिंग। साथ ही में जो पावर जनरेट करता है ये इंजन वो है 148 BHP की। टोटल टॉर्क जनरेट करता है 215 न्यूटन मीटर का। मैक्सिमम माइलेज ऑफर करेगा 17.88 किलोमीटर पर लीटर की। साथ ही में इन वन फुल टैंक आप इसे ड्राइव कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, वो है 894 किलोमीटर तक। फ्रंट व्हील ड्राइव इसमें आपको ऑप्शन मिलती है, साथ ही में ड्यूल क्लच DSG 7 स्पीड पैडल शिफ्टर एंड स्पोर्ट्स मोड ओवरराइड का फंक्शन भी मिल जाता है इस गाड़ी में। इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन दिए गए इसमें, एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका मेजर फ्यूज बॉक्स, साथ ही में इसकी फायरवॉल के भी काफ़ी अच्छी इंसुलेशन दी गई है, और विंडशील वॉशर फ्लूइड के जो पॉइंट है यहाँ पे दिए गए। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो है एक मैश टाइप जो डिज़ाइन इसमें इंस्टॉल किए गए, मीन्स डिब्री या कोई कचरा वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसके ब्लू बॉय लेवल चेक करने के लिए स्टिक कूलेंट टैंक की ऑप्शन यहाँ पे दी गई है। ब्रेक फ्लूइड टैंक आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है टिगुआन, जिसमें कि पोशाक बेस्ड है, पर इसमें आपको जो लग्जरी का एहसास है वो काफ़ी बेहतर मिलता है। अब मैं बात करूँ इस ड्राइवर साइड से, तो इसमें आपको यहाँ पे जो इसका पूरा कंप्लीट इंटीरियर वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। साथ ही में ये जो लेदर फिनिश है इसके स्टेयरिंग व्हील के, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टेयरिंग व्हील के ऊपर वॉक्सवैगन का लोगो यहीं पर दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स एंड MID के कंट्रोल्स, सिल्वर इंसर्ट जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। साथ ही फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, मीन्स एक स्पोर्टी व्हीकल से इंस्पायर्ड है। फोर वे आप इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे देख सकते हैं पैडल शिफ्टर, जो कि एक अट्रैक्टिव पार्ट है इसका व्हीकल का। साथ ही में यहाँ पे जो इसके ऊपर ये जो इंसर्ट है, वाइन रेड इंसर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मीन्स आई कैच ही है। जब भी आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये इंटीरियर। और व्यूज, टाइगून का जो इंजन स्टाफ स्टॉप का बटन है वो यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है देख सकते हैं। एंड जैसे हम इसे दोबारा से बंद करके ऑन करेंगे तो आपको कुछ इतनी सी इंफॉर्मेशन देखने मिल जाती हैं। अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहें तो इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंफोटेनमेंट MID के कंट्रोल्स के थ्रू आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ इसके MID के कंट्रोल्स की, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसके MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और अगर आप इसके यहाँ लेफ़्ट साइड को कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ से आप लेफ़्ट साइड के बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंज करना चाहें, ऑयल टेम्परेचर चेक करना चाहें, या तो फिर आप इसमें ऑडियो सेटिंग्स, नो डिस्प्ले, इकोनमी, एवरेज क्या दे रहा है, एवरेज स्पीड, गियर डिस्प्ले आप यहां पे सेट कर सकते हैं। साथ में अगर आप राइट साइड का एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इस बटन को राइट साइड से प्रेस कीजिए, और यहां पे राइट साइड में आपको फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग डाटा, नो डिस्प्ले सेटिंग्स, और मोबाइल फ़ोन, ऑडियो, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम देखना चाहते तो आप यहां पे देख पाएंगे। बीच में आपको देखने मिल जाएगी किलोमीटर पर आवर में स्पीड, यहां पे आपको देखने मिल जाता है इसका स्पीडोमीटर एनालॉग स्टाइल में। यहां पे इंजन RPM, बीच में एवरेज, सिंस स्टार्ट, आप यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे भी देख सकते हैं, एंड फ्यूल लेवल आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब हम आ जाए इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर, तो इसमें जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो है 25 सेंटीमीटर की टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्रॉम वॉक्सवैगन। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एंड इसकी जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी दी गई है। इसमें आपको वायरलेस एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, साथ ही में नेविगेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, आईपॉड कंपैटिबिलिटी का फंक्शन भी दिया गया है, और ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करना चाहे तो आप यहां से कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको साथ में जो रिस्पांस है वो भी काफ़ी स्मूथ है, मींस आप जैसे एक हाई क्वालिटी के स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं उस टाइप का इसमें आपको टच रिस्पॉन्स दिया गया है। स्टार्टिंग सिंस स्टार्ट किया, एवरेज दी सिंस रिफ्यूलिंग, लॉन्ग टर्म, आप यहाँ पे हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं। कंप्लीट टच पैनल है ये, और
इसमें अगर आप यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन दिखाया, बंद करना चाहे तो आप बंद कर सकते हैं, यहाँ पे योर एप्स साउंड को बंद कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप होम डिस्प्ले पे जाएं तो कुछ इस तरह से होम डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे सिस्टम चेक कर सकते हैं, ब्लूटूथ फ़ोन ऑडियो चेक करना चाहे तो चेक कर पाएंगे, साथ ही में मीडिया चेक कर सकते हैं ब्लूटूथ ऑडियो, और बेस एडजस्ट करना चाहें तो आप यहाँ से ऑडियो के ऊपर क्लिक करके बेस को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये फीचर और काफ़ी टच सेंसिटिव है इसकी डिस्प्ले। क्लासिक जैज़ जिस भी तरह से आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ नीचे देख पाएंगे इसके चारों पार्किंग इंडिकेटर्स को एक्टिवेट करने के लिए बटन, साथ ही में यहाँ पे टच सेंसिटिव इसका कंप्लीट सिस्टम मिल जाता है इसका इन एसी क्लाइमेट कंट्रोल का। साथ ही में यहाँ पे जो ऑटो पे सेट करना चाहते हो ऑटो पे, और इसकी सीट्स की वेंटिलेशन को एक्टिवेट करना चाहते हो आप यहाँ से एक्टिवेट कर पाएंगे। यहीं पे नीचे जो है यहाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं यूएसबी में दो फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन, जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल फ़ोन ईजिली चार्ज कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन 12 वोल्ट में पावर पॉइंट, और दूसरी तरफ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, गियर शिफ्टिंग स्टिक की जगह पे जो आपको DSG शिफ्टिंग स्टिक है कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा, लेदर फिनिश एंड यहाँ पे जो रेड वाइन का इंसर्ट जो देखने मिल जाएगा। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन होल्डर की स्पेस, कप होल्डर की स्पेस दी गई है, आर्म रेस्ट जो है इसका वो स्लाइड फंक्शन के साथ में आता है, एंड अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और भी इसमें आपको जो सेफ्टी फीचर्स के तौर पे मिल जाते हैं ABS, EBD, BA, ESP, व्हील होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सनवाइजर के ऊपर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होल्ड करने के लिए स्पेस, IRBM ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है, LED रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइड में सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर, और अगर आप इसे ओपन करना है सनरूफ को तो वन टच के साथ इजीली ओपन कर पाएंगे, एंड अगर आप इसे क्लोज करना चाहें तो वन टच के साथ आप इसे इजीली क्लोज कर सकते हैं। और व्यूज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।